बस ये आपका आ जाएगा मेरे ब्लॉग में। मैं मजाक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग NIC की टीम के साथ जा रहे हैं उन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस की फिजिकल लोकेशन पे, जिनको NIC ने 9 डेज की बिजनेस ट्रेनिंग दी है और ये जो है UNCR से फंडेड है। और इस ट्रेनिंग का जो मकसद था वो बेसिकली यही था कि जो बिजनेस है माइक्रो बिजनेस, उनको सिखाया गया कि वो बिज़नेस कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, अपना जो बिज़नेस है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किस तरह करने बेसिकली। तो आज जो है हम जो NIC की टीम है हम उनके साथ जा रहे हैं उनकी फिजिकल लोकेशंस पे। जैसे कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, कॉम्पिटिशन पे था और उसको आपने बहुत कामयाब बनाया, मैंने फीडबैक चेक किया है, थैंक यू सो मच। अभी मेरा सेकेंड व्लॉग है, मेरा सेकेंड व्लॉग NIC पे है, NIC मैं खुद इंक्यूबेटेड हूँ NIC में और मेरा बिजनेस आइडिया है दी फोटोग्राफर्स की नेम से प्रोडक्शन हाउस है। तो आज हम लोग जा रहे हैं माइक्रो बिजनेसेस की तरफ। मौजूद है गौसाबाद में, यहाँ पर जो हमारी मुख्तलिफ बिजनेस हैं, छोटे मोटे बिजनेस हैं, ख़वातीन काम करती हैं और हैंडीक्राफ्ट से बलूचिस्तान के, तो यहाँ पे हम लोग उनकी शूटिंग करने आए हैं, इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। अभी हमारे साथ हैं शाहजेब भाई। शाहजेब भाई हमारे सीनियर है, एक बहुत बड़े वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर है। तो आज वो हमें लीड कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा शूट हो रहा है। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शाहजेब भाई, कैसा फील हो रहा है आपको? फील अच्छा हो रहा है, बस सुबह उठने से जो है नींद पूरी नहीं हो सकी और यहाँ पे शूट करने आए हैं। एक बात बता चलिए, शाहजेब भाई जो है वो सुबह 8 बजे उठे यहाँ पे शूट के लिए आए बहुत सा बहुत किया बाद में, तो क्या कहना चाहेंगे? और अभी हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे से बैचमेट है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, 4 साल हम लोग सब साथ थे। तो अकमल कैसे यहाँ पर आज ही हमें यहाँ पर लेकर आए और ही इज़ वन ऑफ द गुड पर्सन, तो क्या कहना चाहेंगे आप मेरे सेकंड ब्लॉग में? आप थैंक यू, थैंक यू। अभी अकमल कह रहा था कि मुफ्ता आ गया, तो अकमल बहुत एक्साइटेड था मुफ्ते के लिए। मुझे लगता है जैनब ने ना बिस्किट चोरी किए, ये देखो कितने बिस्किट इसने चोरी किए। यार वापस रख ले, बुरी बात है, रुक, बहुत बुरी बात है। क्या बताने चाहेंगे आप हमें अपने स्टार्टअप के बारे में? ये बहुत मेहनत और मशक्कत का काम है। कितना अर्सा हुआ है आपको? बस यही कोई 150 साल हो। ओहो हो, बहुत ही कम अर्सा हुआ है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बस ये आपका आ जाएगा मेरे ब्लॉग में। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये जो इदारा है ये छोटी बच्चियों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है और यहाँ पे मैंने देखा है काफी इतना अच्छा काम किया हुआ है इन लोगों ने और इतनी सफाई से लोग काम कर रहे हैं, देख के महसूस नहीं हो रहा कि ये वाकई ये इन्होंने खुद बनाया, हालांकि सारा काम इन्होंने खुद अपने हाथ से किया, लेकिन बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा वो काम देख के वाकई ये सब इन्होंने खुद अपने हाथ से किया है। अभी हम लोग एक और इदारे में आए हैं और यहाँ पर भी जो है वो खवातीन उनके प्लेटफॉर्म दिया गया है और वो कशीदाकारी कर रही हैं। मैं कहती हूँ कि बलूचिस्तान में इतना टैलेंट है, इन्होंने के पास इतना हुनर है, ये लोग जो काम कर रही हैं माशाल्लाह से इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए देखते हैं।
तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे यूनिवर्सिटी और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई थिंक कि बलूचिस्तान में इतनी पोटेंशियल है. अभी मैं देख कर आई हूँ, हम लोग जो मतलब फिजिकल लोकेशंस पे गए थे, डिफरेंट हमने शूट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे जो लोग हैं उनमें इतनी पोटेंशियल है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि NIC ने और UNHCR ने दिया है. और ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप लिया है NIC ने. और अभी 6:30 बज गए शाम के और हम लोग इतना थक चुके हैं. हम लोग सुबह 8 बजे के निकले हुए और NIC की जो टीम है वो रिकॉर्डिंग करी है शादी भाई लोग. और यहाँ पे हमारे साथ एक बंदा है जो बताएगा आप लोगों के वो कितना थक चुका है, सुबह से इतना काम किया है. तो ओवर टू यू. ओह यार, हाँ वाकई मैं तब तो बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे माने चेक कर सकते कि कितने मुझे हमें खैर, बट काम है तो करना पड़ेगा. एंड थैंक्स टू यू कि आपने हमारे साथ इतनी मेहनत और मशक्कत और हमारी हेल्प की. अस्सलाम वालेकुम. आज हम लोग मौजूद हैं एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के घर पे NIC की टीम के साथ. वो केक बनाती हैं और अभी इस वक्त हम लोग जाएंगे किचन में देखेंगे कि वो कैसे केक बना रही हैं. तो हमारे साथ अकमल है, हमारे साथ अकमल हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं और हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. हम लोग इन्हीं की टीम के साथ NIC के साथ यहाँ पे आए हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किचन में क्या चल रहा है, कैसे केक बना रही है. ये था मेरा सेकंड ब्लॉग. होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि NIC जिस तरह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और डिफरेंट जो जिनका बिजनेस आइडिया है उनको सपोर्ट करके, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है, कोई बिज़नेस आइडिया है या फिर मतलब कोई माइक्रो बिज़नेस करें आप लोग, तो मैं आप लोग को यही मशवरा दूँगी कि आप लोग यहाँ आके अप्लाई करें. और ये कि मे बी नेक्स्ट जो है बिज़नेस आइडिया वो आपका भी हो सकता है सिलेक्शन में. तो होप्स हो कि आपको ये पसंद आया होगा ये वाला ब्लॉग. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.